जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है सिद्धू मूसेवाले की माताजी को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें, जहाँ पूरे देश भर में सिद्धू मूसेवाले का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें उनकी माताजी पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस वक्त फैंस जो है सिद्धू मूसेवाले के पिंड में, गांव में जो है सिद्धू मूसेवाले की, उस खेत में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं, जहां पर उनका जो है भव्य सिद्धू मूसेवाले की याद में उनको अमर रखने के लिए भव्य जो है उनका स्मारक बनाया गया है, उसी खेत में उनको जो है अंतिम विदाई दी गई थी। वहीं पर अब आपको बता दें, लंगर करवाने के साथ साथ जो है सिद्धू मूसेवाले के जन्म दिवस पर उनका भव्य सजावट भी किया गया उस स्मारक को। वहीं आपको बता दें, माता पिता दोनों ही वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये सब किया गया। और आपको बता दें, फैंस, रिलेटिव्स और जितने लोग संस्कार में जुटे हुए थे सिद्धू मूसेवाले के, उससे दो गुना ज़्यादा जो है उनके जन्म दिवस पर, यानी कि आज 11 जून को जो है उनके पिंड में फिर से मौजूद हुए, फिर से इकट्ठे हुए और सब ने मिलजुल कर जो है सिद्धू मूसेवाले का जन्म दिवस मनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी उसे सुनकर आप जो है भावुक हो उठेंगे। जी हाँ, जरा अपने दिल को जो है थाम कर रखिएगा दोस्तों। जहाँ पूरे फैंस जो है मिलकर सिद्धू मूसेवाले का जन्म दिवस मना रहे हैं, कोई डोनेशन देकर, तो कोई अपने पग पर जो है सिद्धू मूसेवाले की टैटू बनवा कर, टैटू छपवा कर, तो वहीं कोई पीठ पर टैटू छपवा कर जो है सिद्धू मूसेवाले को जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो कोई हाथ पर जो है 295 सॉन्ग और साथ में सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर जो है वो बनवा कर उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ कमाया उन्होंने कम वक्त में, इतना नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ कमाया, लेकिन जो नाम उन्होंने कमाया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को वो देकर गए हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। जी हाँ, इतने कम वक्त में, सिर्फ 28 साल के थे, 1993 में उनका जन्म हुआ था, 11 जून 1993 को वो इस धरती पर जो है जन्म लिया था, उन्होंने देवता समान इंसान, और आज जो है उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। तो वहीं उनकी माता जी उनके प्रति इतना प्यार फैंस का देखकर जो है भावुक हो उठी, फूट फूट कर रोने लगी। आपको बता दें, अंतिम अरदास में भी उनके माता पिता जो है उन्होंने विनती की थी, भावुक अपील की थी फैंस से, और सिद्धू मूसेवाले को लेकर जो है कई सारी यादें जो हैं उन्होंने ताज़ा किए थे, कई सारी बातें जो हैं जो कि फैंस नहीं जानते थे वो सारी बातें शेयर की उनके पिताजी ने। और आज आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले को सारा दिन लाइव आकर उनके फैंस ने जो है उनको ट्रिब्यूट दिया। ये प्यार, ये टैटू बनवाना, ये पग पर जो है सिद्धू मूसेवाले का पिक्चर छपवाना, आपको बता दें अपने आप में बहुत कुछ कमाया उन्होंने। और ये इतना प्यार देख कर जो है फैंस का जो है उनके माता पिता भावुक हो उठे, फूट फूट कर रोने लगे आज अपने सिद्धू को याद करके। वहीं फैंस ने दिलासा दिया, सांत्वना दी उनके माता पिता को कि हम बैठे हैं, आपको कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम एक आवाज़ हमें देना, हम खड़े होंगे आपके लिए। वहीं आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, फैंस इतना प्यार करते हैं कि सिद्धू मूसेवाले के लिए सड़क पर उतरने को तैयार हैं अब। जी हाँ, आपको बता दें, 11 जून तक जो है सरकार को टाइम दिया गया था फैंस की तरफ से और रिश्तेदारों की तरफ से, जो सिद्धू मूसेवाले के रिश्तेदार हैं, अब आपको बता दें वो सड़क पर उतरने को तैयार हैं, क्योंकि उनकी डिमांडें जो हैं सिद्धू मूसेवाले के प्रति वो पूरी नहीं की गई। जी हाँ, न्याय वो मांग रहे थे और उनके हिसाब से जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है सिद्धू को, तो आज उनका जन्म दिवस था और आज के दिन तक ही वो रुके हैं। और कल से जो है बताया जा रहा है कि वो सड़क पर उतरेंगे और फैंस जो हैं वो और लोगों से भी पूछ रहे हैं, भारत की जनता से पूछ रहे हैं जो सिद्धू के साथ हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारे इस आंदोलन में साथ खड़े रहेंगे या नहीं, यस या नो का जो है आंसर वो ले रहे हैं अपने जो उनके फैंस हैं उनसे। सभी मिलकर जो है, पूरी फौज मिलकर जो है सड़क पर कल उतरने वाली है, धरना देने वाली है और सिद्धू मूसेवाले को न्याय जो है वो मिलकर रहेगा। वहीं आपको बता दें, डॉक्टरों की टीम जो है सिद्धू मूसेवाले की माता जी को देखने के लिए आई हैं, क्योंकि उनका जो है रो रो कर काफ़ी दिनों से बुरा हाल हुआ पड़ा है, वो कई दिनों से खाना भी नहीं खा रही हैं
और कई बार वो माइक पर आकर हिम्मत रखकर जो है सिद्धू मूसेवाले के न्याय के लिए जो है उन्होंने अपील की और फैन से कहा कि तुम ही न्याय दिला सकते हो, सरकार से मांग की है। अमित शाह से खुद दिल्ली आकर जो है उनके पिताजी बलकौर सिंह मिलकर गए और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं फैंस जो हैं आज अपना प्यार दिखा रहे हैं सिद्धू के प्रति और वो कमेंट्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना प्यार जो है सिद्धू मूसेवाले तक जो है पहुंच रहा है। फैंस के फैंस जो दे रहे हैं उन्हें प्यार, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कोई कह रहा है कि आप अमर हैं, तो कोई कह रहा है कि खून का बदला हम खून से लेंगे, तो कोई कह रहा है कि हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। इस प्रकार की जो डिमांडें हैं वो सिद्धू मूसेवाले के प्रति फैंस जस्टिस के लिए जो है डिमांड कर रहे हैं। कुछ प्यार भरे मैसेज जो हैं सिद्धू के लिए वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। एक फैंस ने बड़े ही प्यार से और दिल से जो है प्यार भरा ट्रिब्यूट दिया अपने सिद्धू मूसेवाले को। लिखते हैं, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे, हमारी यादों में रहोगे, हम कभी आपको भूल नहीं सकते, आप हमारे दिल और कानों में घंटों रहो। वहीं एक और फैंस ने प्यार भरा ट्रिब्यूट देते हुए लिखा, ये वो बंदा है जिसको दुनिया याद रखेगी, इनकी अंतिम यात्रा पर जितने लोग आए कभी नहीं देखा ऐसा किसी को, ऐसा शहरा सर आप सजा कर किसी को विदा होते नहीं देखा। फैंस मेंटली स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, हाथ जोड़ने वाला 3 इमोजी भी लगाया है इस फैंस ने। बड़ा ही प्यारा मैसेज लिखा है फैन ने और ही बहुत प्यारा सा मैसेज लिखकर ट्रिब्यूट दिया है सिद्धू मूसेवाले को। लिखते हैं, हमारे जिम में सिद्धू भैया के गाने बजते थे, बजते हैं, बजते रहेंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया है। और ना जाने इस प्रकार के कितने सारे ट्रिब्यूट जो है फैंस ने कॉमेंट सेक्शन के जरिए प्रकट की हैं, अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, जो उनके दिल में भावनाएं हैं, जिस प्रकार से वो जस्टिस की उम्मीद रखते हैं सरकार से, वो जो है अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप भी इस आंदोलन में भाग लेंगे? फैंस जो सड़क पर उतर रहे हैं आंदोलन करेंगे, वो अपने सिद्धू को इंसाफ दिलाने के लिए जो है सड़क पर उतर रहे हैं, अनशन पर बैठेंगे, क्या आप भी इस चीज़ में हिस्सा लेंगे? जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ ही आप उनकी माता जी के लिए ज़रूर प्रे कीजिए, जिनकी तबीयत इस वक्त काफ़ी ख़राब चल रही हैं, वो काफ़ी वीक हो गई हैं रो रो कर। और आपको बता दें, कई हत्यारों को तो पकड़ लिया गया है सिद्धू मूसेवाले की, लेकिन आपको बता दें जो मेन पकड़ना चाहिए, जिसने ये कांड किया है, वो हाथ में नहीं आ रहा है सरकार के। बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो है पूरी तरह से इस हत्याकांड की छानबीन कर रही है और बहुत जल्द हत्यारों को जो है पकड़ लेगी। अभी इस टाइम जो है आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई से जो है कड़ी पूछताछ की जा रही है, बहुत जल्द वो भी सच्चाई उगल ही देगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वेल, किस तरह से आप बर्थडे विश करना चाहेंगे, जन्मदिवस की ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे, आप सिद्धू मूसेवाले को ज़रूर कमेंट सेक्शन के जरिए दीजिएगा। जो भी आपके विचार हैं वे बाकी से खुलकर जरूर प्रकट कीजिएगा। साथ ही हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि पल पल की जानकारी जो है दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।